बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं टे का तारुफ़, टे की पहचान और टे की लिखाई। तो टे जो है ये भी बे की के ख़ानदान का ही एक हिस्सा है। इसकी फॉर्मेशन भी बच्चे को वैसे ही सिखानी है। यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से टे, टे के ऊपर टोपी, टे, टे के ऊपर टोपी। टे का साउंड है ट, टे ट, टे ट टमाटर, टे ट टमाटर। और टे से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जिस तरह टे ट टोकरी, टे ट ट्रैक्टर, टे ट टमाटर, टे ट टॉफी, टे ट ट्रक, टे ट टूटा, टे ट टोपी। टूटा, ये एग की पिक्चर बनाई हुई है, अंडे की पिक्चर है, टूटे हुए अंडे की। आप किसी और चीज़ की भी टूटी हुई चेयर हो, कोई गुलदान है, कोई भी चीज़ टूटी हुई है, बच्चे को बता सकते हैं कि ये टे से स्टार्ट हो रही है। तो टे के लिखने के लिए अब हम बताते हैं जी। टे के लिखने के लिए हम आज यूज़ कर रहे हैं स्केल का, स्केल और स्टोन। ये स्टोन है, ये मैंने अच्छे से इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है ताकि बच्चों को सिखाने के काम आ सकें। अब चूंकि बच्चे बे, पे, ते तीन अल्फाज इस ख़ानदान के लिख चुके हैं, तो टे की शेप उन्हें बखूबी समझ आ जाएगी। तो ये इसलिए हम स्टोन से लिखवा रहे हैं। स्केल से उन्हें उसको सीधा रखने में हेल्प मिलेगी और वो ये लाइन जो है टे की, जो दरमियानी लाइन के ऊपर आएगी, उसको सीधा लिख सकेंगे। टे ट, टे के ऊपर टोपी। ये सात बच्चों को लाजमी बताना है ताकि उन्हें जब वो बाद में लिखें तो उन्हें याद करने में आसानी हो कि इसके ऊपर है क्या। टे के ऊपर डॉट है या टोपी है या नीचे नुक्ते हैं। जब हम बार बार उनको रिवाइज करवाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि टे के ऊपर टोपी, ये इस तरीके से जी। इसके बाद हम किसी भी चीज़ से ये लिखवा सकते हैं। हम कोई चने की दाल लेके उससे भी लिखवा सकते हैं, कोई बीड्स लेके उससे भी लिखवा सकते हैं। स्टोन्स के साथ बच्चे बड़े खुश होकर लिखते हैं। आप उनको खजूर की जो गुटलियाँ होती हैं वो आप संभाल के धो के अच्छे से वॉश करके रख लें, उनसे भी लिखवा सकते हैं, उनसे भी कोई ना कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब कॉपी पे बताते हैं किस तरीके से लिखना है जी। टे ट ट, टे के चार डॉट, ट के तीन डॉट और ये जो गोल ट है इसके चार डॉट। और जो हमने इसका तोय लिखवाना है उसके हम बच्चे को लगा के देंगे दो डॉट इस तरीके से। फिर दरमियान में जब ये बच्चा लिख लेगा उसके बाद हम थर्ड डॉट इधर लगाएंगे ताकि वो यहाँ से सेमी सर्कल बना सके। ट, और जैसा कि पहले बताया था कि बाईं तरफ हमने बच्चों को तस्वीर बना के देनी है, पिक्चर बना के देनी है जिसमें वो कलर्स करेंगे ताकि उनके जहन में इसका फर्स्ट जो है लेटर, फर्स्ट साउंड जो है, पहली आवाज़ वो अच्छे से बैठ सके। और बच्चे को जब भी हमने कोई नेक्स्ट हर्फ करवाना है तो पीछे से उसको रिवाइज लाजमी करवाना है। तो चलिए अब रिवाइज करते हैं। अलिफ मद्दा के सर पे ताज, अलिफ मद्दा कहता है आ, अलिफ खाली, अलिफ कहता है अ, बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे कहता है प, टे के ऊपर दो नुक्ते, टे कहता है त, टे के ऊपर टोपी, टे कहता है ट। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अल्लाह हाफिज़।